स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज मैं लेथ से संबंधित, लेथ मशीन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चनों को रिलीज करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डीप क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं का आंसर रॉन्ग करके आ जाते हैं स्टूडेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लेथ मशीन से संबंधित आज रिलीज करूंगा फ्रेंड्स। लेकिन उसे रिलीज करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच इज़ मेड ऑफ क्लच प्लेट ऑन द ब्रेक ऑफ लेथ मशीन। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है, जो लेथ मशीन का ब्रेक पर लगी क्लच प्लेट किस मेटल की बनी हुई होती है। तो जो फ्रेंड्स ये अधिकांश तौर पर HMT जो लेथ मशीनें होती हैं उन पर ये ब्रेक देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाँव से ब्रेक जो लगाए जाते हैं उन्हीं मशीनों पे अधिकतर होते हैं। तो ये जो बने होते हैं फ्रेंड्स एल्यूमिनियम और लेदर के लगे हुए होते हैं, जिनके कारण हम पाँव से ही ब्रेक लगा के लेथ मशीन को रोक सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम लेदर के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अ फीड गियर बॉक्स फॉर अ स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइन ऑन द बेसिक ऑफ। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया, जो स्क्रू कटिंग लेथ है यानी कि छोटे छोटे काम करने के लिए स्क्रू कटिंग लेथ का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो कटिंग लेथ है वो किस गियर बॉक्स जो है उसका उस किस आधार पर डिजाइन किया गया है, इसमें ये पूछा गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रिसिशन जो है, प्रगति जो है उसके आधार पर ही इसको डिजाइन किया गया है, कि ताकि छोटे छोटे वर्क जो होते हैं वो सारे इसमें किए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच आर कट ऑन द फीड रॉड ऑन द लेथ मशीन। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि लेथ मशीन पर लगे फीड रॉड पर कौन सी की कटी होती है, यानी कि चाबी कटी, कौन सी चाबी कटी हुई होती है। तो फीड रॉड पे फ्रेंड्स फिदर की कटी हुई होती है और स्पिंडल पे जो होती है वो ड्रफ की कटी होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि लेथ पर लगे फीड रॉड पर फिदर की कटी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर मशीनिंग अ कास्टिंग ऑन अ लेथ इज सोल्ड बी होल्ड इन। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है, एक खराद मशीन पर कास्टिंग की मशीनिंग के लिए किस चक को आयोजित किया जाएगा, यानी कि किस चक में कास्टिंग की मशीनिंग करनी है तो उसके लिए किस चक का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स फोर्जा चक का प्रयोग किया जाता है, कास्टिंग पर जो मशीनिंग की जाती है उसके लिए फोर्जा चक का यूज होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड कैन बी प्रोडक्ट फास्टर बाय। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि बाहरी स्क्रू थ्रेड का उत्पादन सबसे तेजी से किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, यानी कि रोलिंग पे, रोलिंग के थ्रू ही हम बहुत तेजी से स्क्रू थ्रेड का उत्पादन कर सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन अपरेंट पावर इज ट्रांसमिट फ्रॉम स्पिंडल टू। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है, अपरेंट से पावर को स्पिंडल तक किसके माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। तो अपरेंट से और स्पिंडल तक जो पावर को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रेंड्स वो लीड स्क्रू और फीड रॉड के माध्यम से किया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपरेंट से गियर बॉक्स यानी कि जो हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन का उस तक पावर को ट्रांसमिट करता है और उसके थ्रू गियर के माध्यम के थ्रू स्पिंडल तक पहुंच जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लीड स्क्रू और फीड रॉड के माध्यम से ही अपरेंट से स्पिंडल तक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ इज़ आयरन कटिंग डन ऑन अ लेथ मशीन। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि लेथ मशीन पर किस प्रकार से धातु की कटिंग की जाती है। तो लेथ मशीन पर फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड स्ट्रोक में कटिंग की जाती है, यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड तरफ से कटिंग करते हुए जाते हैं तो वैसे ही हम उधर से कट बढ़ा के लेफ्ट राइट हैंड की ओर की भी कटिंग की जा सकती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड स्ट्रोक में लेथ मशीन पर कटिंग की जाती है। इसकी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए भी कहा था फ्रेंड्स एक वीडियो में, उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें से जाके चेक कर लेना, उस वीडियो को देख सकते हो आप। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड स्ट्रोक में लेथ मशीन पर कटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कंसाइन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ टेलीस्टॉक, द पार्ट शो इन ब्लू कलर इन द ब्लो डायग्राम इज कॉल्ड एज। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है, नीचे चित्र में दिखाए गए, फिगर में दिखाए गए ब्लू कलर में जो डायग्राम है, यानी कि जिसमें ऑप्शन वाइज लगाया गया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, वो ब्लू कलर को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि टेलीस्टॉक के उस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे फ्रेंड्स टेलीस्टॉक डेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कंसाइन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ मशीनिंग टूल, व्हाट इज द टाइप ऑफ टूल सो ब्लो। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है, नीचे जो मशीन टूल दिखाए गए हैं चित्र में वो किस प्रकार के टूल हैं, यानी किस प्रकार के कटिंग करने वाले टूल हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि ये चैम्फरिंग टूल है, यानी कि ये चैम्फर, यानी किसी जॉब पर डाई पर चैम्फर बनाने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चैम्फर बनाने के लिए इन टूलों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कटिंग टूल इज इन लेथ मशीन, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि कटिंग टूल को लेथ मशीन पर रखा जाता है, तो लेथ मशीन पर कटिंग टूल को फ्रेंड्स स्टेट रखा जाता है, यानी कि स्थिर रखा जाता है एक ही जगह पे, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कटिंग टूल को जो टूल पोस्ट होता है फ्रेंड्स फोर वे टूल पोस्ट, उसमें स्टेट बांध दिया जाता है और स्थिर रखा जाता है, ना कि वो घूमता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि अच्छे अच्छे और नए नए क्वेश्चनों की वीडियो बने तो उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।